अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत मज़े में होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम एक नई कहानी के साथ आपके पास आए हैं और ये कहानी पहले कहानियों की तरह बहुत ही अच्छी सी है। कहानी का नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना, हिजरी कैलेंडर का आगाज़। नाम से अंदाज़ा हो गया है आपको कि कहानी में क्या होने वाला है। हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। प्यारे से बच्चों, गौर से सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव सी कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। प्यारे बच्चों, इधर काफिर अपनी साजिशें कर रहे थे, उधर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला का मदीना हिजरत कर जाने का पैगाम लेकर आए। उन्होंने ये भी बताया कि काफिर आज रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का मंसूबा बना चुके हैं, इसलिए आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि अपनी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बिस्तर पर सुला दें। हिजरत का हुक्म मिलते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे और आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के हुक्म से आगाह फरमाया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से साथ देने पर तैयार हो गए। हिजरत का वक्त आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की अमानतें मौजूद थीं, जिनमें कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन काफिर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दीं और बता दिया कि कौन सी अमानत किसकी है, ताकि वो इन अमानतों को इनके मालिकों तक पहुँचा दें। हिजरत की रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए और चादर ओढ़ ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसफ शब को कुरान करीम की तलावत करते हुए घर से निकले और एक मुट्ठी मिट्टी मुहासरा करने वाले काफरों की तरफ फेंकी, फिर इत्मीनान से इनके सामने से गुजरते चले गए। यही हिजरत है जिससे इस्लामी तकवीम कैलेंडर का आगाज़ हुआ। सुबह की रोशनी फैलते ही काफिर अपने बुरे इरादे से घर में घुसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पाया। वो सख्त गुस्से के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकल खड़े हुए। लें जी प्यारे बच्चों, हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। यकीनन आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। छोटी सी मुख्तसर सी कहानी होती ताकि आप आसानी से इसे याद कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी और हमारी ये मेहनत कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। एक नई कहानी के साथ हम आपके पास आएंगे। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।